हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो Y21 में और इन्फिनिक्स हो 10S में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो वीवो की है 6.5 इंच की रेजुलेशन, 720x1600 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले, और इन्फिनिक्स की डिस्प्ले 6.82 इंच की रेजुलेशन, 720x1640 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले, और आपको इन्फिनिक्स में 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश मिलता है और वीवो में ही 60 हर्ट्ज़ का, और डिस्प्ले क्वालिटी में इन्फिनिक्स बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो वीवो का है मीडियाटेक का P35 का CPU, 2.3 GHz ऑक्टे कोर का, 12 nm का फिनफैट, और इन्फिनिक्स का जो प्रोसेसर है वो है मेटेक का G85 का CPU, 2.0 GHz ऑक्टे कोर का, 12 nm का फिनफैट और GPU है G52 का। प्रोसेसर क्वालिटी में टेक्नो बेस्ट है। बात कर लेते हैं बैक कैमरे की, तो वीवो में है डुअल जो मेन कैमरा है 13 P2 का, और इन्फिनिक्स का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 48 का। और बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो दोनों का सेम है, 8 MP का मिल जाता है। बात की जाए बैटरी की, तो वीवो में है 5000 mAh की और इन्फिनिक्स में है 6000 mAh की, और दोनों फ़ोन की बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात की जाए चार्जर की, तो वीवो में है 18 वाट का टाइप सी का सपोर्ट है और इन्फिनिक्स में है 10 वाट का माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट है, और दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक मिल जाता है। दोनों में आपको ट्रिपल सी मिलती है। दोनों की है वारंटी 1 साल की और कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। बात करते हैं रैम की, तो वीवो में है 4 GB की, इन्फिनिक्स में है 4 GB और 6 GB की, और वीवो की मेमोरी 128 GB की और इन्फिनिक्स में है 64 GB की, और दोनों ही फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो वीवो का है स्टार्टिंग 15,499 रुपये और इन्फिनिक्स का है स्टार्टिंग 9,499 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप इन्फिनिक्स के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है।